क्या पठान दे पाएगी केजीएफ को टक्कर? क्या पठान केजीएफ 2 का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? नो ऑफेंस टू एनीवन, पर ये सवाल यूं आया कि भाई वो जमाने गए जब बॉलीवुड सुपरस्टार्स को सिर्फ बॉलीवुड में ही कम्पीट करना होता था। अब चल रहा है पैन इंडिया माहौल और पैन इंडिया सुपरस्टार्स में रॉकिंग स्टार यश, रामचरण, जूनियर एनटीआर रेस में है। बिकॉज जिस तरह साउथ इंडस्ट्री ने मास फिल्मों में अपनी पकड़ बना ली है, ऐसे में माहौल काफी गर्म और प्रेशर भी काफी ज्यादा है। बात तो सही है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या पठान कर पाएगी वो कमाल, और केजीएफ 2 का जो रोला था उसे बीट कर पाएगी के नहीं, मुझे कमेंट करके बताओ। और पठान के सामने आ सकते हैं कौन कौन से चैलेंजेस, वो मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूँ आपके साथ साक्षी चौहान। केजीएफ 2 ने कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही और अपने ओपनिंग डे पर ही सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी रही। केजीएफ 2 का ओपनिंग डे कलेक्शन था 53.95 करोड़, जो अभी तक कोई भी मूवी बीट नहीं कर पाई। इसका लाइफटाइम इंडिया में कलेक्शन रहा 434.70 करोड़। और अगर 2022 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो कोई भी फिल्म ये बात तो टच नहीं कर पाई। और अब 4 साल बाद शाहरुख खान वापसी कर रहे हैं पठान से। अब लेट्स सी कि पठान बॉक्स ऑफिस पर ये रिकॉर्ड ब्रेक कर पाती है या नहीं। पार्टी पठान के घर पे रखोगे? पठान का ट्रेलर अभी 10 जनवरी को रिलीज हुआ एंड ट्रस्ट मी, अगर सिर्फ ट्रेलर के बेसिस पर देखा जाए तो लोगों के इसे लेकर बहुत ही मिक्स रिएक्शंस हैं। काफी लोगों ने तो ये तक कहा कि इट वाज नॉट बैड बट देयर वाज नथिंग न्यू और आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब कुछ नया नहीं लगा। कुछ चीजें वॉर से उठा ली तो कुछ चीजें रेस 3 से और कुछ चीजें फाइटर प्लेन वाले सीन्स वगैरह को देखकर लग रहा था कि पबजी या कोई और गेम खेल रहे हैं। वहीं KGF 2 और RRR भी मास फिल्में थी और वहां भी एक्शन वगैरह सभी कुछ था, बट द स्टोरी लाइन वाज टाइट एंड कुछ ओवर या फोर्स नहीं लग रहा था इन फिल्मों में, जो कि ये लोग समझ नहीं पा रहे। पठान की स्टोरी लाइन जो ट्रेलर देखकर समझ आया वो वही पुरानी कहानी लग रही है जहां एक टेररिस्ट ग्रुप है और फिर एक रॉ एजेंट और या फिर सोल्जर एक मिशन पर भेजा जाता है एंड वो उस मिशन को पूरा करता है। मतलब ये ऐसी कहानी ना जाने कितनी ही मूवीज में हम सभी देख चुके हैं। जय हिंद। अब तुम हर बार सेम चीज न्यू पैकेजिंग के साथ तो नहीं बेच सकते ना यार। बात तो सही है। पठान जिसका इंतजार बहुत टाइम से हो रहा था वो फाइनली रिलीज होने वाली है ऑन 25th of January, पर पठान का थिएटर्स तक पहुंचने का रास्ता इतना भी आसान नहीं रहा। बिकॉज फिल्म आने से पहले ही #boycottpathan मार्केट में आ गया और ट्रेंड भी करने लगा। सॉन्ग रिलीज हुआ तो उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, दीपिका की बिकनी से लेकर सॉन्ग में दिखाए गए वो शॉर्ट्स को भी हटाने की मांग की गई। फिल्म के पोस्टर तक भी जलाए गए, प्रदर्शन भी खूब हुआ। बट सोचने वाली बात ये है कि ऐसा ज्यादातर बॉलीवुड फिल्म्स के साथ ही क्यों हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री में भी फिल्में रिलीज हो रही हैं, पर उधर कोई बॉयकॉट या इस तरह की कोई बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होती। वो अभी भी इस हेटरेट का सामना नहीं कर रहे हैं। बट Why only Bollywood? मेरी तरफ मत देखिए, ये मैंने सवाल पूछा है, आप इसका जवाब दीजिए। और जहां तक बॉलीवुड फिल्मों की बात है तो काफी टाइम से कोई बढ़िया स्क्रिप्ट या कुछ अलग देखने को नहीं मिल पा रहा, और ये भी एक वजह हो सकती है लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे बॉलीवुड मूवीज से हटता जा रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है और क्या आपको लगता है कि पठान KGF 2 का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी? Do let me know in the comment section and yes, do not forget to like and share this video and subscribe to our channel. मैं थी आपके साथ साक्षी चौहान और आप देख रहे थे अनकट।